हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको केरल के कोझीकोड में जो कल रात बड़ा हादसा हुआ उसके बारे में जानकारी ना हो और इन केस नहीं है। और अभी अभी आपने एबीपी न्यूज ट्यून इन किया है तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि कल केरल में लगातार बारिश हो रही थी। कोझीकोड एयरपोर्ट एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, यानी खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। वहां पर एयर इंडिया का जो प्लेन है वो दुबई से उड़ा था वंदे भारत मिशन के तहत, और उसे कोझीकोड में लैंड करना था। वो लैंड कर भी चुका था लेकिन उसके बाद वो ओवरशूट कर गया, यानी रनवे को क्रॉस करते हुए खाई में जा गिरा। दो टुकड़े हो गए विमान के। विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, 170 लोगों को लेकिन बचा लिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हादसे में, फिर बता दूं, अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। पायलट और को पायलट की भी मौत हो गई है क्योंकि विमान का कॉकपिट वाला जो हिस्सा है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, क्षतिग्रस्त हो गया। विमान के 7 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 191 लोग उस विमान में सवार थे और इनमें से 170 लोगों को बचा लिया गया है। शुक्र इस बात का है कि विमान फिसलने के बाद 3 टुकड़ों में बट गया लेकिन आग नहीं लगी। आग अगर लग जाती तो बहुत खतरनाक हादसा हो सकता था। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वहां विमान में बैठे लोगों का के साथ क्या हुआ होता। एयर इंडिया का ये विमान AIX 1344 दुबई से कोझीकोड के लिए, यानी केरल के कालीकट के लिए निकला था। शाम 7:45 बजे विमान को लैंड करना था। उस वक्त कालीकट में बहुत बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी 2000 के आसपास थी। पायलट ने ATC से लैंडिंग की इजाजत मांगी और इसके बाद विमान ने जैसे ही रनवे को टच डाउन किया वो फिसल कर रनवे से नीचे 35 फीट गड्ढे, जो खाई है उसमें जा गिरा और 3 हिस्सों में बट गया। अब तक जानकारी ये मिल रही थी कि 2 हिस्सों में वो हो गया लेकिन अब खबर यह है कि 3 हिस्सों में विमान पाया गया है। अब आपको हम 2 तस्वीरें ये दिखाते हैं समझाने के लिए कि विमान हादसा कितना भयानक था। देखिए, पहली तस्वीर जो है वो कल रात के हादसे की है, हादसे के बाद की। इनफैक्ट वहां लगातार बारिश हो रही थी लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ने स्पीड पकड़ ली थी, तेजी से फायर फाइटर्स वहां पर अपना काम निभा रहे थे। मेडिकल स्टाफ वहां मौके पर मौजूद था। अस्पताल जो कोझीकोड के हैं वो जाने माने अस्पताल है और इसीलिए ज्यादा परेशानी घायलों को नहीं हुई। हमारे साथ मेघना गिरीश जुड़ चुकी है जो कैप्टन दीपक वसंत साठे की पारिवारिक मित्र हैं। मेघना गिरीश के पति विंग कमांडर गिरीश की वो पत्नी हैं जो एयरफोर्स में कैप्टन दीपक के साथ थे। मेघना, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन ऐसे वक्त पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं जब बाकी पूरा देश ये जो कल दुर्घटना हुई है उसका दुख झेल रहा है। बट मेघना, कहा यह जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ है जिसकी वजह से 170 लोगों की जान बची है, वरना हम सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता था। सही कह रहे हैं, क्योंकि दीपक साठे को हम तब से जानते हैं जब वो यंग ऑफिसर थे। उन्होंने गिरीश के साथ, मेरे हस्बैंड विंग कमांडर गिरीश के साथ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल का कोर्स किया था और वो बाद में टेस्ट पायलट भी थे मेरे भाई के साथ। एंड वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी हाईली रेटेड प्रोफेशनल पायलट थे, इंडियन एयरफोर्स के भी और फिर सिविल एविएशन में भी। आई एम श्योर कि दीपक ने जो भी किया होगा, एवरीथिंग ही वुड हैव डन, उन्होंने सब कुछ किया होगा जाने बचाने के लिए। एंड इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग टाइम फॉर अस टू लूज someone whom we respected and knew. And at the same time मुझे लगता है कि जो भी मतलब लॉस हुए हैं पैसेंजर्स के लिए, हमारे our heart go out to all families. हम जानते हैं कि लॉस का मतलब क्या होता है, बट इस वक्त हमारा सारा मन जो है उनकी पत्नी सुषमा और उनके बेटों के साथ जुड़ा हुआ है। आप सही कह रही हैं मेघना जी, क्योंकि कैप्टन ने क्या फैसला लिया होगा, किस हालात से वो उस वक्त गुजर रहे होंगे वो वही जानते हैं, और आखिर में जो ATC के साथ उनकी बातचीत हुई होगी वो जब तक सामने नहीं आएगी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन चूंकि जैसा आप बता रही हैं, आपके भाई, आपके आपके हस्बैंड, आपके बाकी फ्रेंड्स, मतलब पायलट्स जो हैं वो अक्सर इन चीजों के बारे में बात करते होंगे, खासकर खराब वेदर और ये टेबल टॉप एयरपोर्ट्स के बारे में जहां लैंडिंग करना कितना खतरनाक होता है और एंड नॉट एवरीबडी कैन फ्लाई प्लेन्स इन दोज एरियाज इन टेरेन।
Yes, but you see, Deepak Sathe was a very highly experienced professional. He was a test pilot himself. वो खुद एक test pilot रह चुके हैं. तो उन्होंने पूरी सूझबूझ के साथ अपना he must have done his best, right? So I mean, I think a lot of lives बची भी होंगी उस कारण. ये तो जैसे आप कह रहे थे, अगर इंजन ऑफ नहीं की हुई की जाती और आग लग जाती तो आप सोच सकते हैं कि कितना और बड़ा ट्रेजेडी हो जाता. मेघना जी, आप वसंत साठे को आज कैसे याद करेंगी? एक एक पायलट के तौर पर तो पूरा देश उनको जानता है, पर वो किस तरह की शख्सियत थी? मैं जिस तरह से याद करूंगी, जैसे मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तब मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे दो छोटे बच्चे थे, लेकिन वो अभी एंगेज थे सुषमा से, वो बैचलर थे और वो घर आते थे और कहते थे कि मैम मेरी भी शादी हो रही है, घर बसाना है, जरूरत क्या चीजें खरीदनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, यू नो, घर के लिए क्या जरूरत होती है. ही वॉज गेटिंग प्रिपेयर फॉर दैट रोल. बहुत ही स्वीट एंड स्माइलिंग इंसान थे और बहुत ही केपेबल. मैं उसी तरह से उनकी उनको याद थे हीरो की तरह याद करना चाहूंगी थी. ही लिव्ड हिज लाइफ वेल एंड ही इट वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट की एक्सीडेंट हुआ. बट एट द सेम टाइम मैं सभी को अपने कंडोलेंसेज ऑफर करती हूँ जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है. हम जानते हैं, मेरा बेटा खुद मेजर अक्षय गिरी शहीद हुआ था नगरोटा में टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए. तो लॉस, कुछ लॉसेज ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, तो कोई चॉइस नहीं होता एक्सेप्ट करने के अलावा. एब्सोल्युटली मेघना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. और मेघना गिरीश अभी दो हीरोज के बारे में बात कर रही थी, एक वसंत साठे और खुद उनके बेटे जो एक टेररिस्ट अटैक में शहीद हो गए थे. बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. ये दो तस्वीरें हैं, मैं फिर कह रही हूं आपको, कैप्टन की सूझबूझ ने 170 लोगों की जान बचा दी. कैप्टन दीपक वसंत साठे जो पहले इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर रह चुके हैं, MiG-21 उड़ाया है, और अब आज जब हम उन्हें याद करेंगे तो वो कमर्शियल फ्लाइट जिसमें उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना था, और वो फैसला ये कि मैं जान गवाऊं लेकिन बाकियों को बचा दूं. एयर मार्शल नितिन वैद्य इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कैप्टन SS पनेसर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एक्स डायरेक्टर हैं फ्लाइट सेफ्टी एंड ट्रेनिंग इंडियन एयरलाइंस के. सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. और पिंकी राजपूत मेरी सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है. पिंकी, मैं चाहती हूं पहले आप हमें अपडेट दे दीजिए, दर्शकों को अभी कोई एकदम लेटेस्ट आपके पास कोई जानकारी है उससे अवगत करवाइए, और उसके बाद मैं दो खास मेहमानों का रुख करूंगी. रूबिका, यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो DGCA पर अभी उठने लगा है, क्योंकि जिस तरह से जो सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर रह चुके हैं रिटायर्ड कैप्टन मोहन रंगनाथ, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 2011 में जब उन्होंने कैलिकट एयरपोर्ट का को विजिट किया था तो कई खामियां जो है वो रनवे 10 को लेकर गिनवाई थी, और बाकायदा एक लेटर जो है वो DGCA को लिखा भी था जिसमें बताया गया था कि वेट वेदर जब होता है यानी जब भारी बारिश होती है तो रनवे जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है. ये बात है 9 साल पुरानी, तो आखिर 9 साल के बाद भी जो है इन तमाम नॉर्म्स को आखिर क्यों फॉलो नहीं किया गया? ये तमाम जो गाइडलाइंस होती है, खासतौर पर अगर टेबल टॉप एयरपोर्ट्स की अगर बात करें तो बाकायदा उसकी गाइडलाइंस होती है जिसको फॉलो करना होता है. तो ये कहीं ना कहीं ये खुलासा सामने आने के बाद जाहिर सी बात है कि सवाल जो है वो अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज पर भी उठेंगे कि आखिर जब अगर रिस्क था इस एयरपोर्ट पे तो आखिर क्यों लैंड होने दिया. ये तमाम सवाल जो है वो जरूर उठेंगे, क्योंकि ये नया खुलासा जो है वो इस एविएशन एक्सपर्ट के द्वारा किया गया जो खुद उन्होंने कैलिकट एयरपोर्ट को जो है विजिट किया था और बाकायदा सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी रह चुके. इसके अलावा अगर अपडेट दूं तो अब तक जो है 19 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 24 लोग अभी भी ऐसे हैं जो गंभीर अवस्था में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज लगातार मलप्पुरम और कोलिकोड के अस्पतालों में चल रहा है. पूरी तरह से जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि घायलों को जो है जल्द से जल्द ठीक किया जाए, मेडिकल सुविधाएं जो है वो दी जाए. और इसके अलावा एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है, और तमाम जो फ्लाइट्स थी जो कि कोलिकोड एयरपोर्ट पर लैंड करनी थी उन सभी फ्लाइट्स को जो है कन्नूर डाइवर्ट कर दिया गया. ओके पिंकी,
बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात आपने कही है कैप्टन पने सर, आपने सुना मेरी सहयोगी ये कह रही थी कि अब ये सवाल उठने लगे हैं कि वहां पर हमेशा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स का निर्वाह किया जाना चाहिए और बैड वेदर खराब मौसम में किसी भी कीमत पर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ये आज सुबह मेरे साथ एक एविएशन एक्सपर्ट जुड़े थे, उन्होंने भी कहा था। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो इस दुर्घटना के बारे में हम सबको बहुत शोक है जैसे जी, हुआ है जी। और सवाल तो उठेंगे डीजीसी के ऊपर, इनके इतना फ्लाइट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है जहां काफी पायलट इन्होंने रखे हुए हैं और उनका काम बनता है कि जब वो इंस्पेक्शन करते हैं, पायलट की चेक करते हैं, रूट की चेकिंग करें, एयरपोर्ट की चेकिंग करें, क्या वहां पे रनवे ठीक है, वहां पे पानी लॉगिंग तो नहीं, वाटर लॉगिंग तो नहीं होती, क्या होता है, ये उनका काम है। लेकिन वो करते हैं या नहीं, मैं 2.5 साल डीजीसी में रहा था, हमारा ये काम था पायलट्स का भी चेक करना, एयरपोर्ट्स का भी चेक करना, रनवे का भी चेक करना, एटीसी, सारी चीजें देख के हम रिपोर्ट देते थे फाइनल। अब ये तो डीजीसी पे सवाल उठे भी ये क्या कर रहे थे, इन्होंने रनवे इंस्पेक्शन करी है कि नहीं। बाकी वहां पे बारिश काफी हो रही थी, पायलट जो लैंड करा है किस स्पीड पे लैंड किया वो तो दोनों पायलट अभी जिंदा नहीं है, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड और डीएफडीएस से हमको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये क्या हादसा कैसे हुआ है, पायलट की गलती से या एटी वेदर, जब उसने एक दफा नहीं लैंड कर पाया, दूसरी ओवरशूट करके उसको डाइवर्ट कर जाना चाहिए था, लेकिन ओवरशूट करने से पायलट का थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन शाम का बारिश इतनी होती है वाटर लॉगिंग से रनवे टच डाउन कर उसे रनवे स्किड करके आगे गिर गया। रनवे तो काफी 9000 फुट का रनवे है लेकिन उसकी अप्रोच वगैरह देखनी पड़ेगी, पायलट सारी रिपोर्ट जो हमारे सीवीआर और डीएफडीआर खुलने के बाद नहीं हूँ, लेकिन जो बातें सामने आ रही है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो टच डाउन कहाँ किया, कौन से पॉइंट पर किया, फिर कितना एरिया बाद में मिला, और हो सकता है कि वो कम पड़ गया हो क्योंकि आधा हिस्सा जो है वो प्लेन जब टच डाउन कर रहा होगा तब पीछे छूट गया होगा। एयर मार्शल नितिन वैद्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, विथ योर परमिशन मैं एक मिनट का बस ये ब्रेक ले रही हूं और उसके बाद आपका रुख करूंगी। तो हुआ क्या था, मौत का रनवे कैसे बन गया कोड़ीकोड, इसी को पता लगाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एयर मार्शल वैद्य, मैं आपसे जानना चाहती हूं अब तक आपकी रीडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, किस तरफ इशारा कर रही है? हालांकि मैं जानती हूं सर कि हमें ब्लैक बॉक्स में जो कुछ भी कैद है उसके बाहर आने तक बहुत इंतजार करना होगा, बट स्टिल रूबिका जी, जब कैप्टन साठे ने डिसीजन लिया था ओवरशूट का और दोबारा एक अप्रोच करने का, तो मुझे लगता है कि वो डिसीजन बड़ा सोच के किया होगा और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सेकंड अप्रोच में लैंड कर पाऊंगा। अगर आप कोझिकोड का रनवे देखेंगे तो उसकी लंबाई 9000 फीट से ज़्यादा है और किसी वजह से अगर टचडाउन थोड़ा आगे भी चला गया तो यू स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग लेंथ ऑफ द रनवे अवेलेबल। और आपको पता है कि बोइंग 737-800 सीरीज हो या 900 सीरीज हो, दोनों जहाज की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है और शॉर्ट डिस्टेंस में भी वो स्टॉप कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये क्या हुआ और क्यों हुआ ये मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ, ना कि इसलिए कि कैप्टन साठे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छे प्रोफेशनल थे, लेकिन जब तक आपको पूरी बात आपके सामने ना हो, आपको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो स्पेकुलेट करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। नहीं सर, और मैं इस बात का पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन आपने एक बात बताई है मार्शल वैद्य के कैप्टन साथे आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं सच में चाहती हूँ कि वो शख्स जिसको आज पूरा देश सलाम कर रहा है, सर 170 जान बचाना ये बहुत बड़ी बात है और वो भी ये जानते हुए कि पूरा का पूरा खतरा हमें लेना है, कॉकपिट पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। मैं आज आप कैसे याद करेंगे कैप्टन साठे? मुझे यकीन है कि जब एयरक्राफ्ट लैंड कर गया सेफली और उन्होंने उसको स्टॉप करने की कोशिश की है तो जितना उनका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उन्होंने भरपूर उसका उपयोग किया होगा, तब जाके इतनी जाने बची हैं। द फैक्ट दैट द एयरक्राफ्ट डिड नॉट कैच फायर, आई वुड लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू कैप्टन साठे
for the fact of the decisions that he has taken after coming to know that the aircraft is probably going out of control at some point of time. कैप्टन साठे जब पायलट ऑफिसर थे 1984-85 की बात कर रहा हूँ जामनगर में, तब वो मिग 21 फ्लाई करते थे. बड़े जज्बाती थे, बड़े हुनर तो थे ही, वो स्पोर्ट्स में भी उनकी बहुत रुचि थी और खास करके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि थी. एनडीए में भी जब वो एनडीए से पास आउट हुए तो मुझे पता है कि बहुत अच्छे ग्रेडिंग से वो पास आउट हुए. तो उनको ये इच्छा थी कि मैं एयरफोर्स में बहुत अच्छा पायलट बनूं और खास करके टेस्ट पायलट बनूं, जिससे मुझे इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में जितने एरोप्लेन्स हैं सब फ्लाई करने का एक मौका मिले. वो एग्ज़ाम बहुत टफ होती है, साल में एक बार होती है और तकरीबन 6 या 7 पायलट्स उसमें सिलेक्ट करते हैं. उनमें से दीपक साठे सिलेक्ट हुए, तो आप समझ सकती हो कि कितनी कैपेबिलिटी थी उनमें, कितना जज्बा था कि मैं पढ़ाई करके एक टेस्ट पायलट बनूं. टेस्ट पायलट बने, सक्सेसफुल टेस्ट पायलट बने. और जब उनको सर मुझे मैं सच में आई डिड नॉट वांट टू इंटरप्ट, लेकिन जो बातें आप बता रहे हैं वो उस तरफ इशारा कर रही है कि आखिर में वो सूझबूझ कहाँ काम आई और कैसे काम आई. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात की है सर. आपने कहा कि ओवरशूट कर गया, ये बहुत सोच समझ के लिया गया फैसला कि फिर वापस उड़ के वापस आया जाएगा. मैं थोड़ा उसे और डिटेल में समझना चाहूंगी. और कोझिकोड में जिस एयरपोर्ट पर विमान हादसा हुआ वहां 18 लोगों की जान चली गई है, डीजीसीए की तरफ से पिछले साल शो कॉज नोटिस जारी किया गया था. नोटिस में ये कहा गया था कि रनवे के दोनों तरफ रबर लगाए जाने की जरूरत है और तरफ रबर जरूरत से ज्यादा जमा है. आप समझ रहे हैं, रनवे के पास पानी जमा होने की बात भी कही गई थी, रनवे पर दरार को लेकर भी चेताया गया था. ये इस वक्त की बड़ी खबर है. विमान हादसे के बाद ये चिट्ठी सामने आई है जिसमें जितनी भी वहां पर खामियां थी वो पहले ही उजागर कर दी गई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इनफैक्ट ये शो कॉज नोटिस था. पिंकी राजपूत मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है. पिंकी, ये तो सबसे बड़ी वजह मानी जाएगी, अगर ये चीजें पहले ठीक और दुरुस्त कर दी गई होती तो आज मैं, आप और यहां पर हमारे साथ जो बाकी मेहमान बैठे हैं वो इस एक्सीडेंट पर चर्चा नहीं कर रहे होते. बिल्कुल ठीक कहा रूबिका आपने. और जैसे कि हम पहले बता रहे थे कि एक ऐसा ही नोटिस जो है वो 2011 में कैप्टन मोहन रंगना जो कि रिटायर्ड है उन्होंने भी दिया था जब वो खुद वहां विजिट करने के लिए पहुंचे थे. ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है एयरपोर्ट अथॉरिटीज पर फिलहाल उठ रहा है कि डिस्पाइट ऑफ 2011 का जो नोटिस था और साथ ही पिछले साल का जो नोटिस था उसके बावजूद किस तरह से ये जो है एक बड़ा लैप्स जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से देखा गया. सीधे तौर पर तमाम जो इसमें जो नॉर्म्स है वो यही दिए गए हैं कि वाटर स्टैग्नेशन एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है बैड वेदर में, लेकिन बावजूद इसके किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और एक बड़ा हादसा जो है वो होते होते टल सकता था अगर इस शो कॉज नोटिस पर अगर ध्यान दिया होता और इसी तरह से तमाम नॉर्म्स का अगर पालन किया होता. जी रूबिका. पिंकी हमारे साथ बनी रहिएगा, हमारे साथ बाकायदा मेहमान बाकी जुड़े हुए हैं उनसे भी बातचीत करना जरूरी है. कोझिकोड के जिस एयरपोर्ट पर यह विमान हादसा हुआ है वहां पर बहुत सारी खामियां थी और इसका जिक्र पहले भी हुआ था. सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जितनी भी खामियां हैं, पनेसर साहब मैं आपसे बात कर रही हूं, ये जितनी भी खामियां थी इनको दुरुस्त किया जा सकता था लेकिन ये तो बहुत इजी लिया गया और तभी ये शो कॉज नोटिस. देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रेजेंट डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है, वो पायलट नहीं है, इंजीनियर है, एविएशन का नॉलेज कोई नहीं है. लोग शिकायतें करते हैं, ये शिकायतें फाइलों में पड़ी रहती हैं, इनकी ऑपरेशन क्यों नहीं होता वहां पे? अगर कोई प्रोफेसर एविएशन माइंडेड डीजी से बैठा हो, चाहे एयरफोर्स से हो, एटीसी से हो, उसका फर्ज बनेगा कि जो ये रनवे की इंस्पेक्शन क्या हो रही है रिपोर्ट देखेंगे. ये जो प्रेजेंट डीजी से जो ब्यूरोक्रेट है उनका एक्सपीरियंस नहीं होता एविएशन में और डीजी से में इन्हीं खामियों की वजह से. जब पहले लोगों की रिपोर्टें आई है कि रनवे खराब है, तुम्हारा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है उनका काम बनता है पायलट एफआईडी जो डिपार्टमेंट है कि रनवे देखे, एटीसी देखे, सारी रिपोर्ट दे और उसका देखें कि एक्शन क्या हुआ है. रिपोर्ट लिखने के बाद एटीसी को चिट्ठी लिखने से मतलब नहीं कि रनवे ठीक हो गया. दे हैव टू टेक ए रिपोर्ट फ्रॉम देम कि व्हाट वर्क दे हैव डन इट ऑन दिस.
ये तो सवाल उठेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि एक ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, ना कि डीजी से जाके इनकम्पिटेंट आदमी बैठे हुए वही इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट बना के अपने फेवर में और मंत्री जी को खुश करके दे देंगे रिपोर्ट। सर ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और बहुत एप्ट मौके पर कह रहे हैं, बहुत कम लोग होते हैं सर इतनी साफगोई से बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि डीजीसीए में कैप्टन पने सर, आप ये कह रहे हैं कि डीजीसीए में ये जितने भी लोग इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं आप किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की बात कर रहा हूं कि वो तो एविएशन माइंडेड, वो तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके नीचे जो अफसर हैं दे नो कॉम्पिटेंट पीपल, उनको इतना तजर्बा नहीं इन्वेस्टिगेशन, हाईटेक एयरक्राफ्ट है इसके इतने मतलब के अभी डीएफडीआर रीड आउट के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के लिए, उसमें दिए पायलट की लैंग्वेजेस क्या बोल रहे हैं वो समझने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, डीजी से खुद इंक्वायरी करता खुद, दे आर ज्यूरी, दे आर द जजेस, दैट इज वाई हम कहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, आउटसाइडर को इन्वॉल्व करो, प्रोफेशनल को स्टेटमेंट देने दो, बिकॉज डीजी से जब इंक्वायरी करती है दूसरों से कोई ओपिनियन नहीं लेते, ना किसी को इन्वॉल्व, दो दो तीन तीन साल तक इंक्वायरियां पड़ी रहती है, पायलट को ऑफ दी रोस्टर कर देते हैं, कोई इनमें ये नहीं कि पायलट को नीचे गिरा दिया, कोई छोटा इंसिडेंट हो उसको ऑफ दी रोस्टर कर दिया, अब अगर वो पोलिटिकल प्रेशर आता है तो छोड़ देते हैं, नहीं तो इंक्वायरी पड़ी रहती कई साल तक, ये हाल है डीजीसीए का। हमारे को अभी मंत्री जी को थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि डीजीसीए को प्रूव करा जाए कि क्या खामियां डीजीसीए में, बिकॉज सारी सेफ्टी जो इंडियन सेफ्टी है, पैसेंजरों की सेफ्टी है, वो डीजीसीए के बिकॉज वही चेक करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, जैसे एनटीएसबी अमेरिका की है वो हर इंक्वायरी की मिनट टू मिनट रिपोर्ट पब्लिक को देते हैं, लेकिन यहाँ पर कई साल तक ना डीएफडीआर ना सीवीआर पब्लिक को बताएं क्या हुआ। बात आपने कही ना सर कि यहाँ पे कातिल भी वही है और जांच करने वाले भी वही है, तो फिर कैसे पता लगेगा कि असल में दोषी कौन है, कि खुद ही नोटिस भी जारी करते हैं, खुद ही रिपोर्ट भी दे देते हैं। सर प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा पने सर साहब।